आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज के बारे में। आपको बता दें कि विमान वाहक पोत एक बहुत बड़ा जहाज होता है जो सैन्य विमानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है और इसमें जहाजों के लिए एयरबेस भी शामिल होती है। दोस्तों, आर हरि कुमार जो भारतीय नेवी के एडमिरल है, उन्होंने कुछ समय पहले ही ये कहा था कि भारतीय नौसेना INS विक्रांत विमान वाहक पोत को फिर से दोहराना चाहते हैं। एडमिरल आर हरि कुमार सर ने यह भी बतलाया है कि वो क्यों चाहते हैं कि INS विक्रांत का दूसरा विमान वाहक पोत बनाया जाए, और आज की इस वीडियो में हम भारत के विमान वाहक पोत के बारे में ही बात करेंगे और इनसे जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत से ही भारतीय नौसेना का ये प्लान रहा है कि उनके पास 3 विमान वाहक पोत हो, ताकि भारतीय नौसेना दोनों समुद्री बोटों को बहुत अच्छे से संबोधित कर सके। और अगर एक विमान वाहक पोत डिफेक्ट में भी जाता है तो भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत मौजूद रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि विमान वाहक पोत में एयरबेस एक संपूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक से लैस होते हैं, जो विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने में सक्षम बनाते हैं। अगर हम भारतीय नौसेना के वर्तमान समय की बात करें तो अभी भारतीय नौसेना के पास एक विमान वाहक पोत है जो कि रूस के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये विमान वाहक पोत है यानी कि INS विक्रमादित्य पहले से ही कार्यरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस विमान वाहक पोत के ऊपर से MiG-29 के परिचालन किए जाते हैं। वहीं बता दें कि MiG-29 के एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो हर मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये साउंड से भी 2 गुना रफ्तार यानी कि लगभग 2000 किमी प्रति घंटा पर उड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने वजन से 8 गुना ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है और ये 65000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। लेकिन इस विमान वाहक पोत के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, जिसके कारण इसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। वहीं अगर दूसरे विमान वाहक पोत की बात की जाए तो INS विक्रांत पूरी तरह से भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो चुका है और वर्तमान में ये भारतीय नौसेना के खेमे में शामिल भी हो चुका है। हालांकि इस विमान वाहक पोत पर फिलहाल अभी भी परीक्षण ही चल रहा है और इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के पास 42 यूनिट MiG-29 के परिचालन में है और ये दोनों विमान वाहक पोत के लिए पर्याप्त नहीं है। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय नौसेना की तरफ से कुछ लड़ाकू विमान प्राप्त करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में हमें इस विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त हो सकती है। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं मीडिया की तरफ से कि राफेल फाइटर जेट भारतीय सेना के लिए लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से इस बात पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए अभी हम लोगों को इस खबर के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर तीसरे विमान वाहक पोत की बात की जाए तो इसे शुरुआत में INS विशाल के नाम से जाना जा रहा था और इस विमान वाहक पोत को लेकर भारतीय नौसेना का ये कहना था कि ये 65,000 टन विस्थापन वाला विमान वाहक पोत होगा। आपको बता दें कि INS विशाल एक फ्लैट टॉप विमान होने वाला था, विमान वाहक जिस पर कैटरपल की मदद से विमान को लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि INS विशाल एक चलता फिरता एयरफील्ड है। इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है और वजन 45,000 टन है। इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 60 मीटर की है और ये लगभग 2 बड़े मैदान से भी बड़ा है। आपको बता दें कि CCL की तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि अगर आज भारतीय नौसेना उन्हें दूसरा INS विक्रांत बनाने को बोलती है तो काफी कम समय में CCL उन्हें एक और INS विक्रांत बनाकर दे देगी। लेकिन स्टीरियोबार विमान वाहक पोत बनाने में कुछ तरह की चैलेंज भी आते हैं और इसलिए इसे बनाने में कई तरह की बाधाएं भी आती रहती हैं। दोस्तों, कैटोबार तरह के विमान वाहक पोत में कैटोपल की मदद से उड़ान भरा जाता है और इस तरह की अप्रोच में विमान वाहक उड़ान भरते समय न केवल खुद की शक्ति का प्रयोग करता है बल्कि कैटोपल की पावर का भी प्रयोग भी करता है और इसलिए इतना ज्यादा पावर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा फ्यूल अपने साथ ले जा सकते हैं और इसलिए इनकी रेंज भी बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्मली विमान वाहक पोत को बनाने में बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा पैसा लगता है और बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रयास भी इसके निर्माण के लिए लगता है।
इन सभी बातों को देखते हुए भारतीय नौसेना की तरफ से कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और भारतीय नौसेना चाहती है कि विक्रांत की तरह एक और विमान वाहक पोत बनाया जाए। दोस्तों, इस विमान वाहक पोत में कुछ और संशोधन करके इसे और अधिक एडवांस्ड बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना का भी ये मानना है कि जब तक ये विमान वाहक बनकर तैयार होगा तब तक लगभग इस समय में आईएनएस विक्रम आदित्य को रिटायर्ड करना होगा और ये विमान वाहक विक्रम आदित्य के प्रतिस्थापन के तौर पर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आईएनएस विशाल ISC-2 की जगह पर ISC-3 हो जाएगा और जब ISC-2 बनकर कर आएगा फिर उसके बाद ISC-3 बनना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका ढांचा पहले से ही पूरा कर लिया जाएगा और इन्हीं सब बातों से हमें ये यकीन होता है कि भारतीय नौसेना अपना हर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहती है और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वे हमेशा अपने पास मौजूद संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। समय और पैसे को देखते हुए उनके पास जो संसाधन है उनका वो प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। आपके हमारे भारतीय नौसेना के ऊपर क्या विचार हैं? उनके द्वार आने वाले विमान वाहक पोत के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।